जय हिंद फ्रेंड क्लास टेन सेशन दो हज़ार तेईस चौबीस सब्जेक्ट साइंस सैम्पल पेपर टू यहाँ पे आपके लिए मैंने क्लास टेन सी बोर्ड सी सी बोर्ड क्लास टेंथ के लिए मैंने बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रखा है इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपकी प्री आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स भी मोस्ट रिपीटेड रखे हैं जो कि आप लोग इस सैम्पल पेपर को पढ़कर आप एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं तो हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में आप कोई भी प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को पता है जो हमारा टाइम होता है वो लगभग लग तीन घंटे का होगा और जो यहाँ पे हमारा और जहाँ पे यहाँ हमारा मैक्सिमम मार्किंग है वो हमारी एट्टी मार्क्स की हो, होती है इसमें हमारे ट्वेंटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और हमारे वेरी शॉर्ट लॉन्ग इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं तो आपको पेपर के बारे में पता होगा अच्छी अच्छी तरीके से आप कई पेपर दे चुके होंगे तो नहीं पता है तो आप लोग पेपर को हम पढ़ते हैं आप लोग वैसे पेपर देखते रहिए कि हमारे क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जैसा कि यहाँ पर पहला हमारा सेक्शन ए स्टार्ट होता है सेक्शन ए में हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते जो कि हमारा प्रत्येक वन मार्क्स का होता है तो आप लोग जैसा कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वन मार्क्स का होता है तो आप लोगों के लिए सब ट्वेंटी क्वेश्चन होते ट्वेंटी मार्क्स हो गए जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन कहा गया है व्हाट द बेस्ट इन द टेस्ट ट्यूब सोन हेयर तो यहाँ पे इसका सही हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब रो नो रिएक्शन क्या होगा अगर आप जिंक और जिंक सल्फेट को डालते हैं इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी क्या होगी कोई रिएक्शन नहीं होगी सही जवाब क्या होगा आपसे सीज, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ नो रिएक्शन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू इन द इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एट विच इलेक्ट्रोड्स आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कलेक्टेड यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कैथोड एंड एनोड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाई विजुअली इम्पेर स्टूडेंट तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी वनीला वनीला एजेंस क्या होगा वनीला एजेंस ऑप्शन तो नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फोर विस्ट ऑफ द फॉलोइंग कम्पाउंडस कंटेंट इन द फंक्शनल ग्रुप ओ एच तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर होगा बी एंड डी बी एंड डी फंक्शन ग्रुप ओ एच के हमारे ये हैं प्रोपेनॉल और एथेनॉल फंक्शन ग्रुप ओ के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव आ स्टूडेंट एड वन बिग आयरन नेल इच इन फोर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट कार्बन सल्फेट एंड आयरन सल्फेट आ रेडिस ब्राउन कटिंग वाज ऑब्जर्व ओनली ऑन द सरफेस ऑफ आयरन नल विच वन ऑफ यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट जवाब होगा कापर सल्फेट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन से नंबर सिक्स केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फोरस एसिड सल्फोरस एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एस टू एस ओ थ्री इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन विच बर्न ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अ लिक्विड स्टेट एट टेन डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गशियल एस्ट्रिक एसिड तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही होगा इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट आ लिप इज़ बॉइल्ड इन एल्कोहल बिफोर यूजिंग आयोडाइन फॉर स्टार स्टेस इन ऑर्डर टू यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट जवाब होगा डिसोल्व क्लोरोफिल क्या होगा डिसोल्व क्लोरोफिल इसके बाद, बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन है इन आ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बॉथ मैटर्नल एंड पैटर्नल डी एन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट होगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ आप एंड एम्बायरो ऑफ डॉट सीट फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिक्वायर आ डॉट सीट सेलेक्ट डीट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज हमारा यहाँ पे राइट जवाब होगा ग्राम पी एंड ग्राउंड नट ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एलेवन अ बिटवीन हाइब्रिड एंड अ पैरेंट इज नोन एज तो यहाँ पर ऑप्शन इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ब्लैक क्रॉस क्या होगा ब्लैक क्रॉस ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व टू प्रिपेयर अ गुड टेम्पेरी माउंट ऑफ माउंट ऑफ द पेनिटूनिया लीप पील सोइंग मैनी स्टोमेटा द स्टूडेंट हैज़ टू गेट द फील फ्रॉम द यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोअर सरफेस ऑफ द लीप क्या होगा लोअर सरफेस ऑफ लीप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इन द सरफेस सराउंडिंग द मैग्नेट इज मेजर्ड बाई यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग हीटर प्रोड्यूस्ड बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस ऑफ यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नेट्यूड ऑफ करेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम इन वॉल्व तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट मूवमेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एबजॉर्ड बाई आल ग्रीन प्लांट्स ऑफ फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटो इज अमाउंट तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर

स्टेटमेंट दिया, दिया गया है जैसा कि क्वेश्चन कहा गया है क्लोन्स of of है एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ डी एन एज देयर पेरेंट यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर Of A. इसके कुछ कुछ दिया गया आपको वैन टू लॉन्ग पैल वायर्स हैंगिंग फ्रीली एंड कनेक्टेड इन सीरीज टू द बैटरी दे कम क्लोजर टू ईच अदर रीजन दिया गया वायर कैरिंग करेंट इज अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बहुत ए आर एंड आर इज नॉट करेक्ट और इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कह रहा है द बर्निंग ऑफ सब्सटेंस एट हायर टेंपरेचर टू द फॉर्म एस इज कॉल्ड इन 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 इनकाइनरेशन इसका रीजन दिया गया है The of waste. आप इसका सही जवाब होगा तो, हो से तो आप लोगों को सेक्शन बी पर फोकस करना होगा अच्छे तरीके से पहला यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकारशन तो क्या कहा गया यहाँ पे जैसा कि आपको बताया गया कौन से हाइड्रोकार्बन का बेसिक फार्मूला लिखना होगा अंडर गो एडिशन रिएक्शन तो पहला इसमें क्या होगा सी एस थ्री CH सी एस होगा सी एस थ्री एस सिक्स होगा इसके बाद हमारा होगा सी एस टू ये वाला होगा तो ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं अंडर गो एडिशन रिएक्शन में आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में इफ आ वुमेन इज यूजिंग प्रॉपर्टी विल इट हेल्प हर प्रोटेक्टिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज यहाँ पे आपको इसके बारे में लिखना होगा इसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वाई बिफोर कैरिंग आउट द टेस्ट फॉर द प्रजेंस टू स्टार्स इन लीप एंड एक्सपोजर टू सन लाइट द लिप इज पट इन एल्कोहल कंटेंट इन अ बीकर एंड बॉयल्ड ओवर वाटर बाथ आपको इसके बारे में यह क्वेश्चन है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और है वॉट इज लिम्प लिम्प क्या है आपको लिम्प के बारे में लिखना होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में क्वेश्चन कह रहा है के मिरर प्रोड्यूस थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्ले स्टैंड एट टेन सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ इट वेयर इज द इमेज लोकेटेड इमेज हमारी कहाँ स्थित होगी तो आपकी बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर जो हमारी बी की वैल्यू आएगी वो हमारी होगी थर्टी सेंटीमीटर कितनी होगी थर्टी सेंटीमीटर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंक्रीजिंग अंटार्कटिका ओजोन होल इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर का और वाला है व्हाट आर क्रॉप फील्ड नॉन एज आर नॉन एज आर्टिफ आर्टिकल इकोसिस्टम आर्टिटिकल यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है व्हाट आर क्रॉप आपको यानी कि बताना होगा क्यों होता है क्रॉप फीड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का आ गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का आ गया ड्राई नीट डाइग्राम टू शो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे लाइट रे थ्रू आटेंगुलर ग्लासम मार्क एंड एंगल इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरज इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे इमर्ज रे एंड एंगल ऑफ डिफेस इसका हम आपको आंसर दिखाते हैं आंसर इसका आपको कैसे लिखना होगा तो यहाँ पे आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से लिखना होगा जैसा इसमें डायग्राम बना है ऐसे ही डायग्राम को बनाना होगा ऐसे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स था ट्वेंटी तो सिक्स को आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना होगा ऐसे लिखना होगा इसके बाद हम लोग पैर बढ़ते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन की ओर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन स्टेट थ्री रीजन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट सल्फर इज नॉन मेटल इसके बारे में आपको फैक्ट देना है मैग्नीशियम इज मेटल इसके बारे में फैक्ट देना होगा इसके बाद ट्वेंटी नाइन का फर्स्ट पार्ट कहा गया द रिएक्शन इफ एनी बिटवीन जिंक एंड जिंक एंड सिल्वर नाइट्रल्यूशन तो क्या होगा जेड एन प्लस टू ए जी एन ओ थ्री पहले के रिएक्शन की बता रहे हैं टू इसका ये होगा जेड एन जेड एन जेड एन एन ओ थ्री एन ओ थ्री का होल ट्वाइस टू और प्लस टू ए जी क्या होगा प्लस टू ए जी प्लस टू ए जी इसके बाद ये रिएक्शन पहले का हो गया इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे होगी सेकेंड की मैग्नीशियम की को आ गया तो क्या लिखना है आपको पहले लिखना होगा मैग्नीशियम प्लस फेरिक क्लोराइड फिर क्लोराइड फिर आपको करना होगा एरो लगाना फिर आपको लिखना होगा एम जी सी एल टू एम जी सी एल टू फिर आपको प्लस करना होगा फिर आपको लिखना एफ ई तो ये हमारी सेकेंड वाले की रिएक्शन हो जाएगी इसके बाद थर्ड वाले की रिएक्शन कहा गया है कापर एंड मैग्नीशियम सल्फेट आर सोलूशन तो आपको इसके रिएक्शन लिखनी होगी सी यू सी यू प्लस एम जी एस ओ फोर एम जी एस ओ फोर एरो लगाना होगा फिर इसको लिखना होगा आपको नो रिएक्शन क्या लिखना हो नो रिएक्शन इसके बाद नेक्स्ट कहाँ पर कहा गया है सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया आ लम्प ऑफ एलिमेंट एक्स कैन बी कट बाय नाइफ ड्यूरिंग टू रिएक्शन विद वाटर एक्स फ्लोड एंड मेटल्स वाट इज एक्स एक्स क्या है तो यहाँ पे एक्स क्या होगा हमारा पोटेशियम क्या होगा पोटेशियम इसके बाद हमारा और प्रश्न यहाँ से आप ये नहीं तो आप ये वाला कर सकते हैं हाउ विल यू गेट मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन से आता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कह रहा है वा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कह रहा है डिफाइन एक्सक्रेशन क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है यहाँ पे जो बी पार्ट कह रहा है नेम द बेसिंग फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन किडनी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्रा एक्सिट एक्से एक्सट्री सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ एक्सट्री सिस्टम विच फॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन पहला यूराइन फिर अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट्स यूराइन फ्रॉम किडनी फिर यहाँ पे हमारा स्टोर यूराइन एंड इट इज पास आउट तो आपको तीनों के बारे में डिस्क्राइब करना होगा इसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी कह रहा है टू प्लान क्या कह रहा है टू प्लांट्स विथ वाइट फ्लावर्स एंड बी विद रेड फ्लावर्स बर क्लोज दोगी रेड एंड वन वाइट कैटागराइज एंड द ट्रेट एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव तो आपको इसके स्टैंड स्टेट बारे में डिस्क्राइब करना होगा हम आपको इसका आंसर दिखा दे रहे हैं कैसा आपको लिखना तो यहाँ पर आप लोगों को जैसा क्वेश्चन नंबर थर्टी दिखाया गया है इसको आपको ऐसे ही लिखना होगा जैसा इसमें दिखाया गया है ऐसे आपको लिखना होगा ऐसे डायग्राम भी बनाना होगा आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन यहाँ पे कह रहा है सुधा फाइंड्स आउट विंडो पेन ऑफ आर साइंस लेबोरेटरी फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ फिफ्टीन सेंटीमीटर फ्राम द लेंस सी नो ट्राइज टू फोकस अ बिल्डिंग विजुल ऑफ हर आउटसाइड द विंडो इनसीड दीड इंस्टीड ऑफ द विंडो पेन विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंस इन विच डायरेक्शन विल बी विल बी विल सी मूव द स्क्रीन टू आप शार्प इमेज ऑफ द बिल्डिंग वाट इज द अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस तो आपको फोकल लेंथ निकालनी है इस लेंस की तो यहाँ पर इसकी जो हमारी फोकल लेंथ आएगी वो हमारी होगी वो हमारी आपको टू एफ पर रखना होगा कहाँ पे रखना होगा टू एफ पर कहा पे रखना होगा टू एफ लेंस पर रखना होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्टी टू कह रहा है थर्टी टू क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग द फॉलोइंग द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम सो थ्री रजिस्टर्स टू ओम फोर ओम आर ओम कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ ई एम एफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम द मेन सर्किट ऑफ 0.25 एम्पीयर फ्लोस थ्रू द सर्किट पहला यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज एंड अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सॉरी इसका आंसर हमारा जो होगा वो आंसर होगा 1 वोल्ट कितना होगा वन वोल्ट दूसरे का जो हमारा आंसर होगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव बोल्ट कितना होगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव बोल्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का फर्स्ट पार्ट कह रहा है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू द टू बी यूज ऑन टू हंड्रेड ट्वेंटी इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड टेन बोल्ट हाउ मैनीम्प्स कैन बी कनेक्टेड द पैल ईच अदर एकर लाइन इफ़ द मैगजम अलॉट लेवल करेंट ऑफ फाइव एम्पियर लगभग इसमें कितने बल्ब एडिट किए जा सकते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे हमारे कितने बल्ब एडिट किए जा सकते हैं वन हंड्रेड टेन बल्ब कितने वन हंड्रेड टेन बल्ब इसमें एडिट किए जा सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकेंड पार्ट है आ हीटर कॉल कनेक्टेड टू टू हंड्रेड बोल है रिज, स फाइन द पावर ऑफ़ द हीटर एंड हीटर ऑब्जॉर्ड वाई वाटर यहाँ पे कितनी हीटर ऑब्जॉर्व की, की है और हीटर का पावर वो बताना है पावर तो हीटर का जो हमारा पावर होगा वो हमारा होगा फाइव हंड्रेड वॉट और कितनी उसने ऊर्जा ली है वो बतानी होगी वो हमारी ऊर्जा होगी वन हंड्रेड सिक्सटी एट किलोजूल वन हंड्रेड सिक्सटी किलो जूल ये हमारे दोनों आंसर हो गए इसके बाद हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होता है यहाँ पे यहाँ पे हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होता है यहाँ पे सेक्शन डी कह रहा है डिस्कस द फार फॉर्मेशन ऑफ कोवाइलेंट बॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स तो पहला यहाँ मीथेन का आ गया है फिर हमारा का गया कार्बन टाइटाक्लोराइड का आ गया है फिर हमारा का आ गया वाटर इसके बारे में तीनों को आपको को वैलेंट बॉन्ड आपको डिस्क्राइब करने होंगे विथ फिगर बनाने होंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आपको इसका आंसर आपको आंसर शो कर देता हूँ इस वाले आंसर का आंसर आपको शो कर देता हूँ थर्टी फोर का यहाँ पे हमारे थर्टी फोर का आंसर ये होगा मैंने आपको शो कर दिया है थर्टी का आंसर आप इस आंसर को ऐसे ध्यान रखेंगे इस आंसर को ऐसे लिखा जाएगा इसके बाद हमारा इसी का और वाला प्रश्न देख लीजिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉप एंड डिटर्जेंट्स स्टेट ब्रीफ द एक्शन ऑफ सॉप इन रिमूविंग एन ऑयली स्पॉट फ्रॉम द शर्ट वाई वाई यारॉप आर नॉट कंसिडर सुटेबल फॉर द वॉशिंग वेयर वाटर इज हार्ड स्टेटमेंट को आपको डिस्क्राइब करना होगा इसका क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव कह रहा है हमारा ड्राई वे लेबल डाइग्राम रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेन्ड इट्स पार्ट्स इसके बाद नेक्स्ट इसी का और बारा पार्ट देख लीजिए वाट आर हारमोन्स एंड स्टेट देयर रोल इन द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी और डिफाइंड हारमोन व्हाट आर जनरल फंक्शन ऑफ हारमोनस इसी के बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स देख लीजिए डिफ्रेंस बिटवीन कॉन्फे मिररर एंड कॉन्केब्स मिररर इसी का और प्रश्न देख लीजिए और वाला कह रहा है एन ऑब्जेक्ट फाइव सेंटीमीटर लेंथ इज हेल्ड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर ड्रा द ड्रा द रेड डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्मड इसके बाद सेक्शन ई हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन ई यह हमारा यहाँ स्टार्ट आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से पॉज करके तो जैसा कि यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट अपने लोगों ने पढ़ लिया होगा पॉज कर कर तो आप लोगों को पहले का जो पहला क्वेश्चन कहा गया व्हाट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्या रिएक्शन होती हैं तो आपको सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताना होगा तो होती हैं एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी थ्रू लाइट और हीट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया है राइट एंड एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आपको एग्जाम्पल लिखना होगा मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर इज इजाइली एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको क्या लोग लिखना होगा मिक्सिंग ऑफ वाटर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसी का और वाला देख लीजिए हाउ विल यू अपटेन सल्फ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम द एसिटिक एसिटिक ऑक्साइड तो आप लोगों का इसका एग्जाम्पल लिखना होगा आपको एग्जाम्पल होगा एसओ थ्री क्या होगा एसओ थ्री प्लस एस टू ओ एसओ थ्री प्लस एस टू ओ एर एस टू एस ओ फोर ये आपकी रिएक्शन होगी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे पॉज कर कर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे रीड द टेक्स्ट केयरफुली कहा गया केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन तो आपको पहले पढ़ लिया होगा आपने पॉज कर कर आप लोग पढ़ लेंगे पहले जैसा कि पहला क्वेश्चन कहा गया वाई इज पैनक्रियाज क्रियाज इज ड्योल ग्लैंड आपको कहा गया इज पैनक्रियाज ड्योल ग्लैंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया है ये क्वेश्चन हो गया है नेम द हार्मोन विच विच इज सिक्रिएटेड बाई मेल एंड फीमेल ड्यूरिंग एडोलसेंस तो कौन सा हारमोन्स होगा टेस्टोरॉन मेल्स में होता है और एस्टोरॉन फीमेल में होता है टेस्टोरान किस में होता है मेल में और ऑस्टेरॉन फीमेल में होगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा वाट हैपन्स इन इंसुलिन इज नॉट सिक्रेटेड इज द प्रॉपर अमाउंट तो क्या होगा हमारा इसी का हमारा आंसर होगा इंसुलिन क्या होगा इंसुलिन इज नॉट सिक्रेटेड इन द प्रॉपर अमाउंट दैन इट कॉज डायबिटीज़ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया है

खुद देने का ये और में है तो आपका और हो गया इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टीन आप खुद से पढ़ेंगे आपके क्वेश्चन नंबर वन थ्री वन टू थ्री का आ गया और वाला का आ गया है आप इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और खुद से आंसर देने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन है ये मैग्नेटिक से क्वेश्चन सारे हैं तो आप लोग मैग्नेट पे जाएंगे सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से देखेंगे जैसा कि हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं पहला क्वेश्चन कहा गया हमारा वार्ड डज दिस पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स डेमोस्टेट इसका हम आपको जैसा कि इस क्वेश्चन का आपको हम पूरा आंसर शो कर रहे हैं आप उसका आंसर देखेंगे इसका ऐसा आंसर लिखा है जैसा कि क्वेश्चन नंबर थर्ट, थर्टी नाइन का आंसर मैंने शो कर दिया है यहाँ पे तो थर्टी नाइन क्वेश्चन आप ऐसे लिखेंगे सबसे पहले सेकंड का आंसर ये फर्स्ट का आंसर ये सेकंड का आंसर ये है और थर्ड का हमारा आंसर नीचे ही शो हो रहा है आप इसको ऐसे लिखेंगे ये आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा ऐसे आप क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन का आंसर इस प्रकार से लिखेंगे आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आपको कैसे लिखना है ये आप आप आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही लिखना होगा अभी थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो चलता है पर आपको हु में हु ऐसा ही लिखना होगा हिंद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हिंद फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना वो भूलें क्योंकि हम आप लोगों के लिए लगातार सभी सब्जेक्ट पर सैम्पल पेपर लाते रहेंगे ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छी तैयारी बन जाए अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें हिंद दोस्तों फिर अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में